अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ज़बरदस्त होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, ज़बरदस्त हूँ आप लोगों के दुआओं के ज़रिए। तो आज की वीडियो कुछ ऐसी है कि मैं आई विल टॉक अबाउट पांच ऐसे लोग इन पाकिस्तान जिनसे मुझे इंतहाई नफरत है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे नहीं पसंद। वो हरकतें कुछ ऐसी करते हैं, दिल करता है कि बंदा जाए ना उनको चंडे एक दो चंडे मारे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले लोग जो मुझे बिल्कुल भी ना पसंद वो हैं जो जाते हैं किसी जगहों पे, पुरानी जगहों पे, जैसे कि शाही किला हो गया, किला रोहतास हो गया, बादशाही मस्जिद। उन्होंने वहाँ पे इंजॉय नहीं करना। द ओनली थिंग दे हैव टू डू और दे विल डू इज उन्हें दिखना शुरू कर देना है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा रांझा रखो में एक लाखों में। उनके तासुरात कुछ ऐसे होते हैं, ये ज़रा मुजाहिना कीजिए। आज तुम दीवार में दिखेगा। ओ भाई पोटी कर रहे यार। ओ ओ सॉरी। ओके दैट वाज वियर्ड। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो इसमें आते हैं दूसरे बंदे की तरफ। तो दूसरा बंदा वो है जो मुझे नहीं पसंद। वो ये है कि जो हड राम है, सुस्त, कुछ नहीं करते, ठीक है। खुद उन्होंने रिसर्च नहीं करनी, बस मुझे मैसेज कर देंगे या किसी और को मैसेज कर देंगे, यार वो कोरिया में स्कॉलरशिप कैसे है या वीज़ा कैसे है। भाई मुझे नहीं पता, मेरा कोटा ही अलग है भाई, मेरे पास पासपोर्ट है, मेरा कोटा बिल्कुल अलग है। तो खुद रिसर्च करो, देखो सारी इन्फॉर्मेशन जो वहाँ से मैंने ढूंढनी है गूगल से, वो आप ही ढूंढ सकते हो। अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ नहीं मिलता, देन ऑफकोर्स आस्क मी दैट यू डिड योर पार्ट। और फिर जो है आप मुझे कह रहे हैं, जस्ट सेकेंड सॉरी। हाँ अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसा है? अस्सलाम वालेकुम वीरे। यार मैं जबरदस्त, तू सुना कैसा है? मैं लगा कहना यार एक ना काम था तेरे से। हाँ हुकुम करो सर, हुकुम करो। यार वो जरा कोरिया में जो है वो जरा स्कॉलरशिप का पता तो करा दे। उर्दू के पट्टे रख रख तेरी माँ की रख, ये तू इधर जान जा रही है। ओके सॉरी, मैं गुस्से में जो है इधर उधर निकल जाता हूँ। तो आते हैं नंबर 33 की तरफ। तो जो तीसरे लोग जो मुझे बिल्कुल ही ना पसंद, वो है जो समझते हैं कि मर्द की जो है, मर्द वो है जिसके पास दाढ़ी है। अगर दाढ़ी नहीं है ना तो वो मर्द को मर्द नहीं समझते। फॉर इंस्टेंस लेट्स से BTS कहते हैं वो, उनकी तो दाढ़ी नहीं है, क्लीन शेव है। मतलब कि दाढ़ी रखने से बंदा क्या, मैं क्या कहूँ। एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोग बात कर रहे हैं और मैं बीच में बोला, दोस्त आगे से कह रहे हैं ओए तू ना बात कर, तू जो है पहले दाढ़ी बढ़ा दे। मैं कहूँ मतलब क्या दाढ़ी रखने से कोई जहानत आ जाती है? ये जहानत वाली बात होती तो भाई कायद आजम की भी दाढ़ी होती, कायद आजम ने भी तो दाढ़ी नहीं रखी है। ओए जी ओए दुखे पिट्ठे सब कुआस ना करो। सॉरी कायद आजम भाई। चौथे लिस्ट में वो आते हैं लोग जो समझते हैं कि अगर लड़की ने जो है कोई पैंट पहनी हुई है, नहीं पैंट भी नहीं, बस लड़की को देख लेते हैं बाहर, तो वो समझते हैं कि भाई ये बाहर इससे आई है ताकि उसको अटेंशन चाहिए। तो उन लोगों के लिए कि भाई ज़रा होश ना, ज़रा अपने संभाल के रखें, ठीक है। अगर वो बाहर है ना उसकी मर्ज़ी है, अगर तुम्हें मसला आ रहा है ना तुम घर में बैठ जाओ, घर में रह लो, नज़र नीचे बिठा, नज़रें जो है अपने नीचे कर लो या जहन साफ कर लो या मार दो अपने आपको, kill yourself। क्यों भाई तंग करना उनको, ठीक है। ये ज़रा क्या हुआ था मैं आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा। किधर चलते हो सजिता जी के? भाई मैं लड़का हूँ। आखिरी बंदों के एग्जाम जो मुझे बिल्कुल ही ना पसंद, वो हैं जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यार ये गलत है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और मुझे लोग वो बहुत पसंद है जो वीडियो देख के सब्सक्राइब कर देते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो आखिरी जो ग्रुप है ना वो अच्छे बन जाएँ, मुझे सब्सक्राइब कर दें, ठीक हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही यार। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, टैग करो उनको, कौन सा दोस्त कौन सा, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से अब अगले हफ्ते। तब तक के लिए ध्यान रखें,
एक दूसरे का ध्यान रखें और मुझे दुआ में याद रखें. शुभ खैर, अल्लाह हाफिज़.